हेलो गाइस, वेलकम बैक डेथ सबबडी यूट्यूब चैनल। गाइस, आज जो हम बात करेंगे टॉप 5 स्लीपिंग टैबलेट्स के बारे में, यानी पांच सबसे बेस्ट जो नींद की गोलियां होती है उनके बारे में बात करेंगे। एक एक करके पांचों के बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे सबसे बेस्ट टैबलेट कौन सी टैबलेट कितनी देर तक सुलाती है, यानी कितनी देर तक काम करती है, कौन सी टैबलेट जल्दी असर करती है और कौन सी टैबलेट ज़्यादा नुकसान देती है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, अगर आप स्किप करके देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। चलेगा इस बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो। मैं हूँ डॉक्टर सुलेमान और आप देख रहे हैं डैक्स रब्बानी यूट्यूब चैनल। गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं ये पांचों टैबलेट जो होती हैं सेडेटिव मेडिसिन होती हैं। सेडेटिव और हिप्नोटिक्स दोनों कैटेगरी में मेडिसिन होती हैं। ये ज़्यादातर जो मेडिसिन होती हैं सेडेटिव मेडिसिन बेंजोडाइजेपिन कैटेगरी से बिलोंग करती हैं। इंसोम्निया मतलब नींद कम आती है तो सुलाने के लिए इन टैबलेट को यूज़ किया जाता है। और इन टैबलेट का जैसे पैनिक अटैक आता है, सीजर वगैरह आते हैं, दौड़े वगैरह पड़ते हैं, चक्कर वगैरह आता है, तब भी इन टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। कई बार पोस्ट ऑपरेसिव सर्जरी यानी ऑपरेशन के बाद में भी इन टैबलेट का यूज़ किया जाता है दर्द को कम करने के लिए। तो गाइस, इन्हीं टैबलेट के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो टैबलेट होती है 81 2mg टैबलेट और 1mg टैबलेट। 81 की 2mg टैबलेट भी आती है और 1mg टैबलेट भी आती है। इसके अंदर कंपोजिशन की बात करें तो लोराजीपाम होता है इसके अंदर। ये इसकी अगर हाफ लाइफ की बात करें कितनी देर तक ये बॉडी में रहती है तो 12 घंटे तक ये बॉडी में रहती है। इस टैबलेट का असर जो 12 घंटे तक रहता है। दूसरी टैबलेट की अगर हम बात करें एल्प्रेक्स टैबलेट आती है, मार्केट में ब्रांड नेम एल्प्रेक्स के नाम से ही मिलती है। ये 0.25mg में 0.5mg में आती है। इसके अंदर जो कंपोजिशन है वो एल्प्रोजोलाम होता है। इसकी जो हाफ लाइफ होती है वो 11 घंटे के आसपास रहती है। एल्प्रेक्स जो टैबलेट है बॉडी में 11 घंटे तक रहती है और 11 घंटे तक असर इसका रहता है। तीसरी जो टैबलेट होती है वो क्लोनाफिट MD क्लोनाफिट के नाम से जो मार्केट में मिलती है। इसके अंदर जो कंपोजिशन होता है क्लोनाजीपाम होता है। ये टैबलेट भी 0.25mg और 0.5mg की आती है। इसकी जो हाफ लाइफ होती है 6 से 12 घंटे होती है, यानी 6 से 12 घंटे तक बॉडी में रहती है और इसका असर रहता है। क्लोनाफिट MD जो टैबलेट होती है इसके अंदर MD जो होता है माउथ डिजोल्विंग, यानी इस टैबलेट को अगर आप मुंह में डाल देंगे तो मुंह में डिजोल्व हो जाएगी और एब्जॉर्ब होने के बाद ना अपना असर शो करेगी। चौथी जो टैबलेट होती है वो ट्रोप्टोमर होती है। ट्रोप्टोमर 10mg की टैबलेट आती है। इसके अंदर एमिट्रीफाइलिन SCL होता है। अगर इसकी हाफ लाइफ की बात करें तो 5 दिन तक, यानी ये 5 दिन तक बॉडी में रहती है और 5 दिन तक अपना स्लो असर दिखाती रहती है। ट्रिप्टोमर जो टैबलेट होती है इसका टैबलेट भी घबराहट वगैरह में यूज़ किया जाता है। पांचवी जो टैबलेट होती है वो जोलफ्रेस होती है। जोलफ्रेस की जो टैबलेट होती है 5mg और 10mg में आती है। मार्केट में मिलती है 5mg की टैबलेट भी मिल जाती है और 10mg की टैबलेट भी मिल जाती है। जोलफ्रेस के अंदर जो कंपोजिशन है वो जोलपिडेम होता है। अगर इसके हम हाफ लाइफ की बात करें तो 12 घंटे से ज़्यादा इसकी होती है, लेकिन इसमें व्यक्ति को सुलाती है या 7 से 8 घंटे तक सुलाती है। और ये सारी टैबलेट्स जो हैं जो मैंने आपको बताया NRX कैटेगरी में आती है। अगर आप इसको डायरेक्ट मेडिकल पर जाके मांगेंगे तो इसको आप वहाँ से परचेस नहीं कर पाएंगे, ये आपको वो मेडिकल वाला नहीं देगा। ये प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन होती है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा तभी आपको मेडिकल वाला ये टैबलेट देगा। अगर गाइस इसमें बात करें सबसे स्ट्रॉन्ग इफेक्ट जो कौन सी टैबलेट का रहता है, यानी सबसे ज़्यादा असर जो करती है वो कौन सी टैबलेट करती है, जोलफ्रेस जो टैबलेट होती है वो सबसे ज़्यादा असर करती है, सबसे ज़्यादा देर तक सुलाती है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नींद जो आती है जोलपिडेम से आती है। और दूसरे नंबर पर बात करें 81 2mg टैबलेट, यानी 81 की जो टैबलेट होती है इससे भी व्यक्ति जो काफ़ी देर तक और गहरी नींद में सोता है। जोलफ्रेस और 81 जो होती है दोनों काफ़ी देर तक व्यक्ति को सुलाती है, लेकिन क्लोनाफिट MD जो इसका असर थोड़ा कम रहता है, इससे व्यक्ति ज़्यादा देर तक नहीं सोता है, अगर आप उसको जगाएंगे वो जल्दी जाग जाएगा। तो ये गाइज मैंने बताया आपको पांचों टैबलेट के बारे में। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा हैबिट फॉर्मिंग ड्रग है वो एल्प्रोजोलाम है, यानी एल्प्रेक्स जो है अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करेंगे सबसे ज़्यादा नुकसान करती है और आपकी हैबिट पड़ जाएगी अगर लगातार आप इसको लेंगे तब। तो ये गाइज मैंने बताया आपको टॉप 5 स्लीपिंग टैबलेट्स के बारे में, यानी कौन सी टैबलेट सबसे बेस्ट है और कैसे ये काम करती है, कितनी देर तक ये सुलाती है। होप सो गाइस आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ मिलते हैं हम अगली वीडियो में।